ये देखो मेरी बाइक चौकी के पास खड़ी है और हम लोग यहाँ पे चौकी में आए हैं। टेंशन होता है, हालत खराब है। तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान और शबाना के ब्लॉग में। तो आज नया ब्लॉग ये चालू कर रहे हैं कि आज सुबह गए थे चौकी, जो गाड़ी हमारी जमा हुई है तो उसके लिए तो साहब नहीं आया था, तो सईद भाई को फोन करके बोले अभी मत, 8 बजे है ना रात को, साहब आएगा और तुम्हारा काम इंशाल्लाह कर देगा। बोला ठीक है चलो, फिर वापस घर पे आया, फिर घर पे आया तो सामान लेके आया सब इसका बॉडी की दुकान से, फिर घर पे आया तो उसके बाद बटन लेने चला गया जो बदली करने का था। बताती हूँ तो ना बटन वाले की दुकान पे गए, मैं बोले मैं आऊँ तो बोलते नहीं जाते, बहुत धूप है, दुकान आती मैं जाता हूँ, तो ना क्राफर्ड मार्केट में मतलब है वहाँ दुकान ये, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे ना 3 वो सॉकेट थे वो बदली करके उनको बटन लेने का था, तो वहाँ बटन वाले को बोलते हम मेरे को ना ये बदली करके बटन दो, तो तीन बटन क्या बोला इंग्लिश, तो बोले वो क्या बोले स्विच ला। मैं बोला नहीं स्विच नहीं चाहिए, मेरे को बटन चाहिए बटन। बोले हम लोग स्विच बोलते तुम लोग बटन बोलते, तुम लोग नहीं इंग्लिश में उसको बटन ना स्विच बोलते। अच्छा मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। अभी मैं कहीं भी बाइक पे जाता, दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ मैं, कि जब भी बाइक पे जाता तो मैं ब्लू कलर देखता हूँ, नंबर देखता हूँ, मेरी गाड़ी तो नहीं है ना। अब हो गया, अभी गाड़ी मिल गई, अपनी गाड़ी खड़ी है चौकी के पास भी कितने छाव में खड़ी रखा गाड़ी को, धन होगा हमारी। तो मैं कहीं भी आता गाड़ी देखता हूँ, नंबर देता, फिर बाद में आता था गाड़ी तो अपनी मिल गई है, अब क्यों नंबर देख रहा हूँ मैं, एक आदत सी हो गई, क्यों ढूंढ ढूंढ के वो हो गए थे ना परेशान, आदत पड़ गई ढूंढने की भी, एकदम स्लो से चलाते थे कभी ये साइड में देखिए साइड, फिर आगे चला बोलते सबूत तो पीछे देख रही है ना, तो बोले हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, तुम आगे गाड़ी चलाओ। बस दुआ करो 8 बजे बुलाया काम हो जाए, इंशाल्लाह पट जावे तो 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ लो, मैं तो वैसे नमाज नहीं पढ़ोगे, वैसे ही पढ़ता नहीं एक्स्ट्रा नमाज पढ़ोगे, शुक्रिया नमाज के मुसीबत से बच गए हम लोग, है ना। और अभी घर का काम सब चालू है, अभी वो सुतार कब से आया, 1.5 घंटे से सिर्फ धार ही मार रहा है, दो नहीं वो फास्ट काम करेगा अभी, बोलता मतलब धार करता है, धार इसके लिए कि ना वो सर माइक जो ना उसको कल कर देता, जब उसे जल्दी चला गया धार करके चला जाता ना, तो आज फटाफट काम हो जाता, अभी आदमी को फिक्र नहीं, फिक्र जिसको रहती है फटाफट करता है, मतलब वो उसके ऊपर है जो मतलब अगर लोग का मतलब जिसको फिक्र होती है ना वो करता है, जैसे अभी ये 7 तक आदमी लाता ना तो फिक्र होती है, अभी आराम से 11-12 भी, और वो इलेक्ट्रिशियन लोगों को फिक्र रही नहीं, इलेक्ट्रिशियन तो 3 बजे आता है और 7 बजे गायब, 3 घंटे खाली काम, क्योंकि वो लोग खुद कर रहे हैं ना, जो भी पैसा रहा उनके पास ही जा रहा है, आदमी को देने की जरूरत नहीं है, तो वो हिसाब से अब बेकारी लोग थे वो बराबर फटाफट काम की, ये लोगों 6 बजे तो कुछ भी हो जाए लोग सामान अमान बांध रहे, भाई मेरा काम अधूरा है, नहीं नहीं भाभी हमारा काम हो गया, हम सुबह 9 बजे आ जाएगा, अभी तो 8 बजे आ रहे थे सुबह उठ के, वो ये भी इंसान को काम बाकी है, ये कलर वाले को फोन मारे, कलर वाले बोले मैं रात में आऊंगा तो कल आऊंगा, तुम्हारा काम अच्छा करके दूंगा, फिक्र मत करो, कम से कम करके दूंगा, क्योंकि तुम सुफियान की अम्मी हो, मैं काम करके दूंगा, पहचान दे माता सब्सक्राइबर है अपने वो भी माशाल्लाह, तो उन्होंने भी मतलब नहीं, अपने को तो अपनी मेहनत का पैसा उनका देना ही है, जो मेहनत का पैसा हम लोग स्पीकर वाले बोले स्पीकर की वायरदार है, वाईफाई लाया वो वायरदार है अंदर, अभी सब सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब यहाँ से हटा के सब यहाँ पे जो था सब जाके पीछे सेट कर दिया, सुफियान का स्ट्रिक्टली रूल है एक भी चीज बाहर नहीं दिखनी चाहिए, इंशाल्लाह ये महीने की एंड से पहले पूरा काम खत्म हो जाएगा और आप लोग को अभी खत्म होगा, अभी खत्म होगा करते करते दिल में तसल्ली तो मिलती है ना, क्या हो जाएगा कि काम इफू चालू था, अब तक पालो में पता कब काम, कोई काम जल्दी भी खत्म होता है, कोई काम लेट भी खत्म होता है, का काम अपन सोचते लेट होगा चलो, अभी तुम जिम जाके मैं तुम्हारे लिए दलिया चढ़ा देती हूँ और दाल है कल की, दाल खा लेंगे, दलिया और दाल, ओके हाफिज। तो थका देती है बाबा, वो मंगाई थी कुछ मसाला रखने का तो बड़ा पड़ा, तो वापस करके मैंने फिर टोकरी लेके आया हूँ स्टील की, तो उसमें अभी लगता है शायद भाजी बेचेगी इधर घर के अंदर, क्या करेगी वो समझ नहीं पड़ता, अब ये टावर के मजे इधर लूट रही है, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या कर रही है, घर में काम करा के लोगों के लिए, तो इसके बाद में भाजी बेचने जाऊंगी, तू उठा नहीं पाएगी, घर में बुला लिया कर, है ना, अपन वीडियो में बोल देंगे ब्लॉग में, अच्छा साथ में मैं चलूँ, खाली उठाओ नीचे रखू, अब ले लो भाजी ले लो, तो भाजी में कवर करेंगे, वो असल में बड़ा नहीं हो गया था, सुफियान ने चिल्लाया था कि मतलब बाहर को चीजें रखने तो अपने वापस लग जाता, अपने एडजस्ट करके लगा नहीं, बहुत वो दिख रहा था ऊपर, तो बस की जरूरत थी, मैं देखती आई थी ये प्लास्टिक का, ऐसा बोलने का तेरे दिमाग में ये बैठा था, वो तो अच्छा नहीं लगा था ये लेने का, ऐसा कुछ बोल, उसने बोला मैं रिटर्न पैसा नहीं दूंगा, वो ऑर्डर पे अपन ने बनाया,
वो भी चैन ले लिया उसने कि एक्चुअली वो बिक जाएगा तो, या फिर लोग तोड़ के उसको दो टुकड़े करके बना देंगे जो भी हो, वो लोग का लुकआउट है। तेरे पास तेरी भाजी आ गई ना, तेरे पास तेरी टोकरी आ गई ना, करती है तो ये भाजी की टोकरी है, मस्त है, तेरा सर नहीं दिख रहा, टोकरी बड़ी है। तो चलो वहाँ क्या हुआ, देखा वहाँ पे किचन में सब लग चुका है, ये देखो अभी इसके अंदर दरवाजे बनाएगा ना, क्या बोल दिया, वो ट्रॉली है ना जो अभी ट्रॉली फिट हो गई है उसके ऊपर अभी लकड़ा लगेगा और उसके ऊपर फिर सरमाए का लगेगा, फिर उसके ऊपर हैंडल लगेगी, पहले दरवाजा बनेगा, दरवाजा नहीं उसको लगेगा, तो फिर इसके ऊपर वो लकड़े लगते, अच्छा बोलने के लकड़े वाले नीचे था आपने घर में, यहाँ पे भी था ना, जो गैस का बाटला है ना वहाँ दरवाजा लगेगा, और जो डस्टबिन अपना है नीचे वहाँ पे दरवाजा लगेगा और ऊपर दरवाजे लगेगा। कभी कुछ सब बनता रहेगा, ऐसे से बताते रहेगा, कुछ समझ में आता नहीं क्या, अगर दिमाग काम नहीं करता, ये तो धूल मिट्टी ऊपर से, खाना नहीं मिल रहा बराबर, ना सोने मिल रहा बराबर, क्या बनाए, लेकिन जो मजा सुकून, जो सुकून से बैठ के खाने में आता है ना, वो घाय का करने में नहीं आता, आम काट। चलो ठीक है, तो किचन के दरवाजे जैसे बंद है, कच्चे बंद है, कच्चे दरवाजे बने, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो कच्चों में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या बोल दिया, नहीं सलमा का रंग है ना अच्छे लग रहा है, तारीफ कर रहा हूँ भाई, अच्छा लग रहा है, फोन किया अम्मी, ये लगा अम्मी, वो लगा अब्बा कंगाल हो गए, बोला पैसे खत्म है, नया देंगे और नहीं पेमेंट लगाने के लिए, तो उसके अंदर ना पाइप भी लगाने का, वो ना शटर जैसे आता है उसके अंदर ना स्प्रिंग जैसे आता है, फटाफट यू करेंगे घूम जाएगा, नहीं अभी कुछ नहीं है, हाँ, अब मैं घूम जाऊंगा नहीं तो। तो अभी चौकी भी 8 बजे हम लोग को जाने का था गाड़ी के लिए, वो जो कोर्ट की तारीख देगा उसमें भी, तो अभी साहब अपने जो शहीद भाई उनने बात की है, तो बोले भाई टेंशन मत लो, काम तुम्हारा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बस दुआ करो कि आसानी से हो जाए, मुसीबत से बचे, बस बहुत टेंशन हो जाता है ना सर, बोले मैं मतलब अच्छा वकील कर दूंगा कि अपने कोर्ट में से बिना एक दिन जाने का साइन करके अपने को इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा, अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता है ना। तो आओ मैं आपको किचन कच्चा दिखा देता हूँ, किचन ऐसा हो चुका है, मस्त क्या बोल रही, मुझे ना दिल पे बात ले लिया है कि मेरे को भी अच्छा लगता नहीं है बार बार मतलब आना जाना, मेरा भी काम पड़े और मैं भी फ्री हो जाऊँ, बड़े अच्छा है भाई, तू फ्री हो जाए, हम लोग फ्री हो जाए, अभी कलर वाले को बिजी कर देंगे, हाँ कलर वाले का काम हो जाए, अभी तो बाकी अपना काम अपना भी जाएगा, आंटी ने और हो जाएगा इंशाल्लाह, सब निकल जाएगा, तो ये सब कटिंग फुटिंग चालू है, घान बान चालू है, लेकिन एक बात है, जाता है तो साफ करके आता है पूरा, जैसा आता है कि कुछ काम हुआ ही नहीं, जैसे इतना तो है उसके अंदर, है ना, पूरी सफाई करके जाता है। तो चलो जैसा सा बनता जाएगा वैसा आप लोग को बता, जैसे मैंने कहा था कि अपना जो सुतार है, क्या नाम है इसका, हुसैन जो है, जो भी जाता है तो साफ करके आता है पूरा, मैंने आपको कहा था, तो मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ, देखो साफ कर रहा है वो, है ना शेफ, सफाई करके जाते है ना, देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये पूरा साफ करके जाएगा, पूरा चिट कर देगा ये, अभी से इसने लगा दिया ऊपर, देखो दरवाजे बना दिया ऊपर का भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, सलमा लगेगी तो और अच्छा लगेगा, थकान हो जाती है, वही देखा ना सब उठाता है और बुलाता भी नहीं हो, तो मैं सामने से जाता हूँ, ये तो मेरी, ये तो मेरी आत्मा है जो जागती है, तो मैं जाता हूँ, मैंने अपना शर्ट भी फाड़ दिया यहाँ से, काला शर्ट था मेरा, वो भी फाड़ जाने देना, फट गया फट गया। तो अभी चौकी में नहीं बोले थे 8 बजे हम लोग को जाना है, तो साहब ने बोले मत आओ, मैं फ़ोन करूँगा जब, और 10 मिनट करता हूँ, फिर साहब ने फ़ोन नहीं किया, तो हम लोगों ने एक घंटे बाद, एक घंटा हो गया ना, तो एक घंटे बाद हम लोगों ने फ़ोन किया, तो बोले अभी मत आओ तुम, हम 2 दिन जो है चोर को ढूंढेंगे तुम्हारे घर, उन्होंने ऐसा बोले कि गाड़ी यहाँ से आपके घर के पास से वहाँ तक कैसे पहुँचू, और 12-15 दिन कहाँ थी गाड़ी, तो वो ना इंक्वायरी करेंगे 2 दिन, हाँ हम लोग ऐसा अभी आपको मेरे को मिली तो इसका मतलब दूसरी कोई गाड़ी चोरी होगी तो मालूम तो पड़ेगा ना कि चोर कौन है कहाँ से जाता है, तो इनके कैमरे जो लगे हुए ना अब उसमें चेक करेंगे कि ये गाड़ी यहाँ से वहाँ तक पहुँची कैसे, तो इसलिए 2 दिन का, इसलिए 2 दिन का टाइम लिया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग को मालूम पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा गाड़ी कहाँ से, कौन लेके जाता है यहाँ से गाड़ियाँ, उठाता कौन है गाड़ी, चलो तो मालूम पड़ेगा, तो बोले 2 दिन बाद फोन करना, फिर आप लोग को मैं बताता हूँ,
मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमको भी तो पता चले कि कौन है वो। एफआईआर लिए ना तो लोग के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, वो लोग को कोर्ट में जवाब देना पड़ता है, जज के सामने भी लोग, पुलिस तो जिसने एफआईआर लिखा ना वो साफ भी खड़े रहेंगे सामने, तो वो भी बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, गाड़ी कहाँ से मिली, चोर मिला नहीं हम लोग, हम लोग को गाड़ी मिली तो अपने लाके वो गाड़ी पुलिस के हवाले कर दी, वो ढूंढेंगे चोर को कि वो क्या से गाड़ी वहां तक पहुंची कैसा, इंक्वायरी पूरी इंक्वायरी करेंगे लोग, छानबीन पूरी करेंगे, तो सफाई से हर चीज को पेश करते रहो, अच्छी बात है। चलो वो भी इनको भी तसल्ली करने तो दो दिन अच्छा हो जाएगा, उसके बाद सुकून से गाड़ी मिल जाएगी, चोर भी मालूम पड़ जाएगा कौन है, और कैमरे में आया होगा तो हाँ, नहीं तो फिर बोल नहीं सकते क्या होता है, तो हम भी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं उस चीज़ का, है ना सर। अपने जैसे नहीं दूसरे भी तो सेफ रहे, वो चोर मिल भी गया कभी तो उसकी भी हम लोग ब्लॉग बना के डालूंगा उसका भी मैं, कि देखो ये चोर इनसे हमेशा बच के रहो, है ना, सही बात है, बताइए पैसा। तो मैंने जैसा बोला था सफाई तो माशाल्लाह एकदम साफ हो चुका है और पूरा सिस्टम से बराबर रख रहा है वो, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ फोटो से, ये देखो पूरा साफ कर दिया, हर चीज़ अपनी जगह पर रख दिया उसने, है ना सर, क्या हूँ पूरा बोली में कचरा भर देता है, अच्छा बच्चा, स्कूल में भी स्कूल भी जाता था तो टीचर उसकी तारीफ करते थे कि ये कितना गंदा बच्चा, नहीं अच्छा बच्चा है जो अच्छे से रहता है, स्कूल नहीं गया, नहीं तो स्कूल नहीं, एक दिन गया था टीचर डर के भाग गई, बोले कौन आ गया, तो उस दिन के वजह से गया नहीं शर्मा के, है ना, अभी तो कैसा लगा, कैसा लगा बॉक्स बनते, इसका पिकाचू चालू रहता है, और ये देखो बॉक्स खोल, ये खोल, ये वाला खोल, वो पट्टी है इसके लिए, नीचे भी माशाल्लाह अच्छे होंगे, अच्छा इसका ही बना दिया, ये देखा ही नहीं मैंने, तेरा डब्बा भी तेरा डब्बा भी हवा में उड़ रहा है, चलो तो फिर जैसा सा बनता जाएगा मैं आप लोग को दिखाता जाऊंगा, और बहुत जोरों शोरों में काम कर रहा है ये, आज इसका इसकी आत्मा जाग चुकी है, जो दो दिन में ख़त्म करके भागना चाहता हूँ, मैं भी गांव जाना चाहता हूँ, कौन सा उधर का भी हो गया, अरे वाह सब तैयार कर दिया, चलो ठीक है, तो सुतार भी चला गया, बॉक्स बन गए माशाल्लाह, अभी कल क्या मन क्या करेगा, सलमाइज तो नहीं लगा, सलमाइज तो नहीं लगाएगा ना कल, वो सरमाएगा भी नहीं लगाएगा, सब फिट कर देगा, वो ड्रॉ वगैरह सब कबाड़ का भी सब खड़ा कर देगा, फटाफट सरमाए का फिर कट कटिंग करके चिपकाते जाएगा, चिपकाएगा परसों करेगा मेरे घर से, कल सब दरवाजे बना देगा, कर रहा है पास काम कर रहा है, थोड़ा असर हो रहा है, मैं उसको जो बोल रहा हूँ उसका असर उसको हो रहा है ना, नहीं वो भी बेचारे से बोला, बोले आंटी बोले मेरे को भी अच्छा लगता नहीं कि रोज आओ रोज ऐसे ही थोड़ा थोड़ा काम करो, सब ज्यादा काम, आज ज्यादा ही उसने काम कर दिया माशाल्लाह, दो बार दरवाजे पूरे सब दिखा दिया, सब दिखाया, एक चीज दिखाया, कल क्या करेगा वो भी हम तुम लोग को दिखाऊंगा, है ना, इनके हाथ बहुत चलते हैं, यूं 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 कल जो दिखोलेगा वो भी दिखाऊंगा, है ना, और अभी पुलिस का फोन आया था, बोले तुमने, अभी एक ऑफिसर का फोन आया था, तो उन्होंने मतलब मेरे को इंक्वायरी कर रहे थे कि आपकी गाड़ी कहाँ से गई, क्या हुई, उनको ऐसा लगा गाड़ी मेरी चोरी नहीं हुई, गाड़ी मतलब चोरी हो गई है, मिली नहीं है, तो मतलब सीसीटीवी कैमरा आपकी इधर है क्या एरिया में, ये इधर है क्या, बोली नहीं मेरे इधर सीसीटीवी कैमरा होता तो मैं नहीं देख रही थी सर, बोली तो सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है, बोले आपकी गाड़ी कौन सी करे कैमरे, सर मैंने हैंड ओवर कर दी पुलिस को, तो बोले आपने दे दी गाड़ी, मिल गई गाड़ी, बोले हाँ, बोले कहाँ से मिली, तो बोले ये जगह से मिली, तो बोले बोले 800 रुपये का मैंने पेट्रोल भराई थी दो दिन पहले, और वो भी पूरा खाली हो गया, बोले हाँ ये बच्चों का काम होगा, बोले पुरानी गाड़ी है, चाबी शायद मिल गई होगी लोग को, तो लोग गाड़ी लेके निकल गएंगे पेट्रोल लगे, अपने अल्लाह को मालूम है किसको किसने क्या क्या चोरी किया क्या क्या, बोले ठीक है अब आपको दो दिन बाद बोले हम लोग वापस से कॉल करेंगे, बोले ठीक है सर, ये परेशानी तो लगी रहेगी जब तक के गाड़ी मिलेगी नहीं, आई हैंड ओवर होगी नहीं हमारे, जब तक ये सब धक्के होगी ना, दो लोग इसके लिए सब इंक्वायरी करते हैं, अपन बोल सके कोर्ट अपने को जज पूछेगा कि तुम्हारे साथ इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, कौन से साहब ने इंक्वायरी किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब पूछेंगे, तो अपन को डिटेल लोग बताना पड़ता है ना, यार ब्लॉग एंड करता, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ, नहीं दबे फिर भी दबाओ, टिंग टोंग टिंग टोंग।